हेलो टू एवरीवन। तो सर, आज के एक लेक्चर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे ऑडिट का। एज यू आर वेल अवेयर कि ऑडिटिंग हमारे सिलेबस के अंदर 100 मार्क्स का है। ग्रुप टू में सिलेबस हम वर्कआउट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज सिर्फ बेसिक बात कर लेते हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर कि ऑडिट का मतलब है क्या, ऑडिट वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ऑडिट की स्टार्टिंग किस कंट्री से हुई और इंडिया में फॉर्मल ऑडिट किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करेंगे आज के लेक्चर में। तो एक ब्रीफ सेशन में आज आप लेने वाला हूँ आपके साथ, और आप देखना बहुत सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आएंगी आज के लेक्चर में। और जो भी कुछ मैं आपको बताऊँगा आज के लेक्चर में, इस बेसिक लेक्चर के अंदर, वो आप देखें कि वो आपके आगे काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर काम आएगा। तो ये आपका बेसिक का लेक्चर है, और जब भी हम ऑडिट का डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चाहे कोर ऑडिट की बात करें या स्टैंडर्ड्स की बात करें, ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें, यहाँ का लिंकेज वहाँ एस्टैब्लिश जरूर होगा। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सर अपना बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और ज़रा वर्कआउट करते हैं बेसिक चीज़ों को। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने एक पर्सन एक इमेज में है, और ही इज कैरिंग सम लाइक एक टेक्स्ट वो कैरी कर रहा है ऑडिट नाम का। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में कि ऑडिट वर्ड आया कहां से, ऑडिट वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ, ऑडिट वर्ड की शुरुआत कहां से हुई, इस पे बात कर लेते हैं एक बार। देखें अगर आज की डेट में आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो सर ऑडिटिंग होती है डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन पे, ऑडिटिंग होती है ऑब्जर्वेशंस पे, ऑडिटिंग होती है कन्फर्मेशंस पे। लेकिन जब ऑडिट की शुरुआत हुई तब ऐसा नहीं था। तब ऑडिटर्स आते थे अकाउंटेंट्स के पास, अकाउंटेंट से बोलते थे भाई तू बता तूने किस तरीके से अकाउंट्स तैयार किए, तू मुझे सुनाना शुरू कर दे, भाई कौन कौन से कंप्लायंसेस किए हैं कंप्लायंसेस बता मुझे, और कौन कौन से नियम माने हैं अकाउंटिंग के वो मुझे सुना। अकाउंटेंट्स को आपने डायरेक्ट किया, अकाउंटेंट्स को आपने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए, अकाउंटेंट्स ने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, अकाउंटेंट्स ने बताया सर ये चीज़ें मैंने मानी हैं और इन चीज़ों का मैंने कंप्लायंस किया है, इस तरीके से मैंने अकाउंट्स तैयार किया है। तो ऑडिटर अकाउंटेंट्स की बातों को सुनता था और सुनने के बाद एक ओपिनियन फॉर्म करता था, सुनने के बाद एक ओपिनियन फॉर्म करता था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही है। सर ऑडिटर कहीं भी डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन में एंगेज नहीं था। तो जब ऑडिट की शुरुआत हुई तो डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते थे आप, बल्कि अकाउंटेंट की बात सुनकर, सिर्फ सुनकर आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते थे और ऑडिट रिपोर्ट आप तैयार करते थे। तो सर ऑडिट जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं ऑडियो से संबंधित है। ऑडियो आप सबने सुना होगा, ऑडियो वर्ड सुनने को लेकर ऑडिट वर्ड की शुरुआत हुई ऑडायर से, AUDIRE, और ऑडायर कहां से निकला है, वो ऑडियो से ही निकला है। तो ऑडायर वर्ड की जो मीनिंग है लैटिन के अंदर, ऑडायर का मतलब है टू हियर, सुनना। तो ऑडिट वर्ड निकला ऑडायर से, ऑडायर वर्ड संबंधित है ऑडियो से। तो सर जो ऑडिट शुरू हुई वर्ल्ड के अंदर वो सुनने के साथ शुरू हुई, ऑडिटर अकाउंटेंट की बात सुनकर ओपिनियन फॉर्म करता था। तो ऑडिटिंग नाम इसलिए दे दिया गया कि जो एग्जामिनेशन आप कर रहे हो वो कोई फिजिकल एग्जामिनेशन तो किया नहीं आपने, डॉक्यूमेंट्स तो चेक किए नहीं आपने, फिजिकल वेरिफिकेशन तो किया नहीं आपने, आपने अकाउंटेंट की बात सुनी, ओपिनियन फॉर्म की और ओपिनियन आपने दे दी। तो ये एक तरीका था ऑडिट का, पहले जमाने की बात कर रहा हूं सर, जब कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था ऑडिटिंग का, आज की डेट में ऑडिट कैसे होगी भाई। फॉर एग्जांपल मैं बहुत जनरल सी बात करता हूं, मेरे सामने एक पेपर है, आप मानिए ये P&L एक कंपनी का, आप मानिए इस P&L के अंदर कंपनी ने लिखा है, इस तरफ लिखे हैं कंपनी ने इनकम, इस तरफ लिखे हैं एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस में लिखा है 12 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आप मानिए
12 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कंपनी ने लिखा है, कहां लिखा है? P&L में। और फॉर एग्जांपल ये P&L है आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो सर, आपके सामने P&L पेश किया गया, P&L में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 12 लाख का, आप किस तरीके से चेक करेंगे आप जरा बताएंगे मुझे? आप अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का लेजर लेकर आओ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की बिल फाइल होगी वो भी लेकर आइए। अब P&L को मैंने उठा के कुछ देर के लिए किनारे कर दिया, सबसे पहले मैंने उठाया लेजर को, लेजर में मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि भाई अप्रैल में कितने की एंट्री है, लिखा था अप्रैल में एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया गया एक बिल था, एक एंट्री थी 44,000 की, तो मैंने बोला भाई बिल फाइल दिखाओ जरा, बिल फाइल में देखा 44,000 का वाउचर है या नहीं है, मतलब जो सप्लायर ने आपको बिल दिया होगा 44,000 का बिल है या नहीं, फिर मैंने देखा 26,000 रुपये, फिर मैंने बिल से चेक किया, फिर मैं अगले महीने मई में आ गया, मई में 13,000 रुपये का एंट्री थी लेजर के अंदर, फिर मैंने 13,000 का वाउचर चेक किया। सर वाउचर का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप क्या मानते हैं? वाउचर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया BSES का, आपने उसे पे किया, वो BSES का बिल वाउचर है सर। तो मेरी बात समझिए, 12 लाख रुपए P&L अकाउंट में लिखा है, सबसे पहले आपको लेजर चेक करना है, लेजर के साथ कोएलेट करेंगे आप किसको? बिल फाइल को, इनवॉइसेस को, वाउचर्स को। तो आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन में इंगेज हैं, यू आर इंगेज इन डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। अर्लियर पिछले समय में स्टार्टिंग में काम नहीं था, तो स्टार्टिंग में आई एम अगेन सेइंग, स्टार्टिंग में ऑडिटर ऑडिट करता था सुनने के बाद, अभी कैसी ऑडिट होती है? सुनने से नहीं होता सर, अभी आपको डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और भी बड़ी सारी बातें करनी पड़ेंगी, वो तो हम करेंगे डिस्कस आगे चलकर, लेकिन अभी सिर्फ मैंने बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल P&L के अंदर 6 लाख का, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर भी चेक करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर चेक करने के साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की बिल फाइल मंगवाओगे, वाउचर मिलाओगे सेम है या नहीं, सही में उतने का बिल है या नहीं, पता चला बिल था 4400 का और लेजर में लिखा है 44,000, तो गड़बड़ी है ना सर, ठीक है ना। इस तरीके से ऑडिट होती है जो पहले नहीं था। तो एनीवेज तो ऑडिट की शुरुआत कहां से हुई मैंने आपको बताया, जरा आप पढ़ना, कुछ कुछ चीजें हैं मेरे पास, आप रीड करें जरा क्या लिखा है। द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर। तो जो ओरिजिनेशन है वो कहां से हुआ है भाई? ऑडायर वर्ड से, उसका मतलब है व्हिच मींस टू हियर। इन द ओल्डन डेज बिजनेसमैन यूज्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर्स टू चेक द अकाउंट्स, द ऑडिटर्स यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स ऑफ द अकाउंटिंग पार्टीज हु अटेंडेड बिफोर हिम। आप देखें लिखा हुआ है ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स, चेक जैसा कुछ नहीं लिखा, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स, सुनने के बाद ओपिनियन फॉर्म करता था। लेकिन सर ये कब तक चलता, ये कब तक चलता, आप कब तक इस सुनने वाली प्रक्रिया को, इस सुनने वाले प्रोसीजर को आप कैरी करते? सर ये प्रैक्टिकली तो वर्कफुल है नहीं। तो सर फॉर्मल ऑडिटिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई, मतलब अगर वर्ल्ड की बात करें कि फॉर्मल ऑडिट कहां से स्टार्ट हुई, तो देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन कुछ भी बोल लें आप, ये तीनों कहीं आगे हैं पूरे वर्ल्ड से, इवन US से भी बहुत आगे हैं इंग्लैंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में। तो फॉर्मल ऑडिटिंग को स्टार्ट किया गया इंग्लैंड में पहली दफा, सुनना आप ध्यान से, 1844 में इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट में कंपनीज की ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया, कंपलसरी कि भाई इंग्लैंड में अगर आपने कंपनी बनाई है तो आपको उसके अकाउंट्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी, इट वाज मेड कंपलसरी इन द ईयर 1844, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं सर। तो सर क्या तब CA कोर्स था, मतलब ऑडिट करने का अधिकार किसके पास था? तब कोई CA कोर्स नहीं था, तब कोई ICAI नहीं था,
तब वहां पे कोई सीए इंस्टीट्यूट नहीं था, तो सर ऑडिट करने का अधिकार किसके पास था? वहां पे इंग्लैंड के अंदर अकाउंटिंग एक्सपर्ट को अधिकार दे दिया गया कि सर आप एक सर्टिफिकेट लेकर जाओ हमारे यहां से, और आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप ऑडिट कर सकते हो, आप ऑडिट कर सकते हो। तो फॉर्मल ऑडिटिंग वॉज स्टार्टेड वे बैक इन द ईयर 1844 व्हेन द इंग्लैंड मेड इट कंपल्सरी टू गेट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। 1844 में, 1844 में पहली बार ऑडिट को कंपल्सरी किया गया, कहां पर? इंग्लैंड में। लेकिन सर दिक्कतें आई, यार जब आपके पास क्वालिफाइड लोग नहीं है तो ऑडिट क्या बेहतर तरीके से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सर इस बातों का मतलब इवेल्युएशन किया गया, मूल्यांकन किया गया, और इंग्लैंड के लॉ मेकर्स को लगा कि सर हमें बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग हमारे जो नियम हैं, जो रेगुलेशंस हैं, दे आर नॉट सफिशियंट। हमें ऑडिटर की क्वालिफिकेशन तय करनी होगी, हमें उसके मापदंड तय करने होंगे। वी हैव टू सेट द बेंचमार्क्स, वी हैव टू सेट द पैरामीटर्स। भाई ऑडिट करना है तो ये क्वालिफिकेशन अचीव करो, तब जाके आप एलिजिबल ऑडिट करने के लिए। तो सर 1844 में सीए कोर्स नहीं था, तो कोई भी सर्टिफिकेट लेकर ऑडिट कर रहा था। इंग्लैंड के लॉ मेकर्स ने पहली दफा एक ऑर्गेनाइज स्टेप लिया और 1888 में, 1888 में ICAEW को एस्टैब्लिश किया गया। ICAEW, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। अपना वाला कौन सा है? इंडिया वाला कौन सा है? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहां वाला कौन सा है? ICAI। वहां वाला कौन सा है? ICAEW। उसको बनाया गया 1888 में और बोल दिया सर इंग्लैंड के लॉ मेकर्स ने, ICAEW को स्थापित करने का सोल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर्स को तैयार करना। इंग्लैंड ने बोला सर अब होगा सीए कोर्स, अब हम कराएंगे सीए एग्जामिनेशन, और जो सीए क्लियर करेगा वो हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबर बनेगा, वो हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबर बनेगा। और मेंबर बन गया सर तो फिर वो अधिकार रखता है ऑडिट करने का। मतलब पुराने जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट चल रहे थे उनसे बहुत आगे जाके बात की और इंग्लैंड ने 1888 में सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया, सीए कोर्स की स्टार्टिंग हुई, और ये बोला गया कि आपको सीए करना है अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर आई एम सीइंग। अब सर इंग्लैंड की तो बात हो गई, इंडिया की बात करें जरा। उससे पहले कुछ चीजें आपको पढ़ा देता हूं कि वर्ल्ड में स्टार्टिंग कहां से हुई, जरा पढ़ना आप। इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग द फर्स्ट रिवॉल्यूशन केम इन द ईयर 1844 व्हेन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बाय द कंपनीज एंड गेटिंग द सेम ऑडिटेड बाय द ऑडिटर हैज बिकेम मैंडेटरी एज पर द कंपनीज एक्ट इन इंग्लैंड। पहली दफा जो लैंडमार्क इनका ईयर था वो 1844 था, जहां पे इन्होंने ऑडिट को कंपलसरी कर दिया। और जब कंपलसरी किया तो उस वक्त कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उस वक्त कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब जब क्वालिफिकेशन नहीं थी सर तो वहां पे लॉ मेकर्स ने बोला कि क्या करें, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट को सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए, वो बन गए ऑडिटर। लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक नहीं चली, ज्यादा सालों तक नहीं चली। फाइनली इंग्लैंड में 1888 में एस्टैब्लिश किया सीए इंस्टीट्यूट को। तो अगर आप वर्ल्ड के फॉर्मल ऑडिट की बात करें तो सर दो आपके लिए बेंचमार्क ईयर्स हैं, 1844 में इंग्लैंड के अंदर ऑडिट को कंपलसरी करना और 1888 में सीए इंस्टीट्यूट को इंग्लैंड में स्थापित करना। ये बेंचमार्क ईयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं पिलर्स हैं हमारे लिए ऑडिट के स्टार्टिंग के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। चलिए मैं नोटिंग वगैरह करवाऊंगा आपको, वेट करना, अभी नोटिंग इज नॉट द फाइट, नोटिंग करेंगे बाद में, पहले समझ लेते थोड़ी बहुत बातों को, ठीक है?
और फाइनली बात करते हैं सर इंडिया की। इंडिया में ऑडिट की शुरुआत कैसे हुई? इंडिया में सर इंग्लैंड का लीगल फ्रेमवर्क हमें बहुत हद तक इंस्पायर कर चुका है और इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क लगभग इंग्लैंड के फ्रेमवर्क जैसा ही है। यहां भी कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में 1914 में पहली बार कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर ऑडिट को कंपलसरी किया गया। ध्यान रखना मेरी बात, दिस इज कंपनीज एक्ट 1913 एंड द ऑडिट वॉज मेड कंपलसरी इन द ईयर 1914। कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर 1914 में ऑडिट को कंपलसरी कर दिया इंडिया में, और बोला गया सर कंपनी बनाई है आपने तो आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। अगर आपने कंपनी बनाई तो ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड इफ यू हैव रजिस्टर्ड योर एसोसिएशन ऑफ पर्सन योर एंटिटी एज द कंपनी इन इंडिया। अब बहुत मजेदार बात करने वाला हूं, आप देखना कितना मजा आने वाला है इसके बाद। सर आपने तो ऑडिट कंपलसरी कर दी, तो ऑडिट करने का अधिकार किसके पास था? सर जब 1914 में आपने इसे कंपलसरी कर दिया, 1914 में ऑडिट कर कौन रहा था? मेरी बात समझना, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने, एट दैट टाइम बॉम्बे वॉज द प्रेसिडेंसी स्टेट, ठीक है ना, कोई मतलब राजा का राज नहीं था, प्रेसिडेंसी डाउन था बॉम्बे। बॉम्बे की स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लोमे बांटने शुरू कर दिए। सर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला आप एग्जाम क्लियर करो, ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा लेकर जाओ, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप ऑडिट कर सकते हो। मतलब ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या थी? डिप्लोमा। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या थी? सर डिप्लोमा। डिप्लोमा लेकर आओ, एग्जाम पास करना पड़ेगा, डिप्लोमा लेकर आओ आप ऑडिटर बन सकते हो। रख लिया सर जेब में, आप ऑडिटर बन सकते हैं। तो सर कहां से आ गया सीए कोर्स? हम लोग भी डिप्लोमा कर लेते, क्यों इतना पढ़ना पड़ रहा है? सर सुनते जाना पूरी कहानी। तो डिप्लोमे बांटने शुरू कर दिए और डिप्लोमे चलते रहे सर, लेकिन ज्ञान तो था नहीं उनके पास, कब तक चलता ये? तो ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड ने काम किया, बिल्कुल वैसे ही इंडिया ने भी काम किया, बिल्कुल वैसे ही इंडिया ने भी काम किया। ज्यादा दिन तक ये कहानी चली नहीं डिप्लोमे वाली, पूरी बात सुनना मेरी बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। 1949 फर्स्ट जुलाई के दिन सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर दिया गया इंडिया में। अच्छा वहां का सीए इंस्टीट्यूट कब एस्टैब्लिश हुआ? 1888 में, याद आ रहा है? इंडिया का सीए इंस्टीट्यूट कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 जुलाई 1949 को। इसीलिए 1 जुलाई को मनाते हैं सीए डे, तो 1 जुलाई को सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर दिया गया सर। और सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश जब किया गया तो सीए कोर्स की स्टार्टिंग हुई भारत में, और बोला गया सर ऑडिट करना है भाई तो सीए करना पड़ेगा। आप सीए का एग्जाम क्लियर करिए, आप सीए का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आप आईसीआई के मेंबर बनेंगे, और अगर आप आईसीआई के मेंबर बन जाते हो तो आपके पास संपूर्ण अधिकार है ऑडिट करने का। तो सीए इंस्टीट्यूट आया 1949 में, साथ में सीए कोर्स लेकर आया और साथ में क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हुए आया कि ऑडिटर बनना है तो सीए होना जरूरी है। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है दिमाग में हमारे आ रहा है अभी बैठे बैठे कि क्या 1949 में डिप्लोमा होल्डर से अधिकार छीन लिया था ऑडिट करने का? फिर से एक बार, क्या 1949 में डिप्लोमा होल्डर से अधिकार छीन लिया था ऑडिट करने का जब सीए को स्टार्ट करा दिया सीए इंस्टीट्यूट ने तब? नहीं सर, नहीं। कंपनीज एक्ट 1913
1949 के बाद दो पैरेलल क्वालिफिकेशन लेकर चल रहा था, दो पैरेलल क्वालिफिकेशंस 1949 के बाद, पहली क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होल्डर की और दूसरी क्वालिफिकेशन सीए। क्या बात कर रहे हो सर? हां जी सर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट 1913 ने बोला ऑडिट करनी है भारत में, या तो डिप्लोमा होल्डर हो गया आप, नए डिप्लोमा नहीं मिलेंगे लेकिन पुरानों से अधिकार भी नहीं छीना जाएगा। डिप्लोमा होल्डर हो गए आप, या आप क्या हो गए सीए, या आप क्या हो गए सीए, दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आप आपके पास है, आप ऑडिट कर सकते हैं इंडिया में। 7 साल के बाद कंपनीज एक्ट 1956 आ गया। सुना होगा आप सबने कंपनीज एक्ट 1956। अब कंपनीज एक्ट 1956 आया तो कंपनीज एक्ट 1956 ने भी सेम क्वालिफिकेशंस रखी कि सर ऑडिट करनी है भारत में, स्टैचुरी ऑडिट करनी है भारत में, तो या तो आप डिप्लोमा होल्डर होगे या सीए होगे। मतलब 1956 भी दो दो क्वालिफिकेशन लेकर चल रहा था, डिप्लोमा होल्डर की भी और सीए की भी। मतलब मैंने इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ा है 2009 के आसपास कभी, ठीक है 2009-10 में, तो उस वक्त यही सब पढ़ा है सर हमने। उस वक्त तो कंपनी एक नया वाला आया ही नहीं, तो मैंने यही पढ़ा है कि ऑडिट करनी है इंडिया में तो यू मस्ट बी अ डिप्लोमा होल्डर और यू आर हैविंग अ डिग्री ऑफ द सीए, ठीक है इधर ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड यू आर एलिजिबल टू बी द स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन इंडिया। कोई भी कंडीशन पूरी करो आप स्टैचुरी ऑडिटर बन सकते हैं। शानदार पॉइंट है। अब आया कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला सुनो, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है इंडिया में स्टैचुरी ऑडिट करने के लिए आपका सीए होना जरूरी है। इंडिया में स्टैचुरी ऑडिट करने के लिए आपका सीए होना जरूरी है। मतलब डिप्लोमा होल्डर जो अधिकार कैरी कर रहे थे 1913 से, उनसे वो अधिकार छीन लिया। और एमसीए अब कहता है डिप्लोमा होल्डर भाई बहुत ऑडिट कर लिया आपने, पहली बात तो आप बचे भी नहीं होंगे, कुछ थोड़े बहुत डिप्लोमा होल्डर्स बचे होंगे भारत में। अब सर उम्र भी तो होती है ना कोई सीमा, तो अगर बचे हैं तो आप आराम करो यार, आपकी उम्र हो गई है। एमसीए ने बोला यू आर हैविंग नो राइट टू बी द स्टैचुरी ऑडिटर। स्टैचुरी ऑडिटर बनने के लिए सिर्फ राइट किसके पास है? सीए के पास। मतलब वो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होल्डर की फाइनली वेव ऑफ खत्म कर दी। कहां खत्म कर दी? कंपनीज एक्ट 2013 में। और आज का कंपनीज एक्ट कहता है कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं चलेगा, आपका सीए होना जरूरी है इंडिया में स्टैचुरी ऑडिट करने के लिए। इज इट क्लियर? मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बता रहा हूं, अब देखना जरा ध्यान से। आप ये पढ़ें सिर्फ एक बार, 141 सबसेक्शन 1, सिर्फ ये पढ़ना आप एक बार क्या लिखा है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको ऑडिट करनी है तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 कहता है यू मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Only in that case you are eligible to conduct the statutory audit in India. Is it clear? आ रही है बात समझ में? Done? चलिए सर, बार बार आप एक बात कह रहे हो, माइंड में डाउट बन रहा है, statutory audit, statutory audit. सर क्या होता है? What is the meaning of statutory audit? देखिए सर, audits कई तरह की हैं। अगर आप लॉ के अंदर जाएं, कंपनी के अंदर आप जाएं, तो आपको चार तरह के audits मिलेंगे generally. Generally you will get 4 types of audits. ठीक है, समझना। स्टैचुरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। स्टैचुरी, इंटरनल, कॉस्ट और सेक्रेटरियल मैं आपके सामने लिखता हूं, आप देखना।
अगर जहां तक ऑडिट्स की बात है तो भाई एक हेड मैंने रख दिया यहां पे स्टैचरी ऑडिट, दूसरा हमने यहां पे रख दिया सेकेंड वन इज द इंटरनल ऑडिट, थर्ड इज द कॉस्ट ऑडिट एंड द लास्ट वन इज द सेक्रेटरियल ऑडिट। इतना क्लियर है? अब देखिए सर, सबके अपने अलग अलग मापदंड हैं, सबके अपने अलग अलग फीचर्स हैं, सबके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, कंप्लायंसेस हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। स्टैचरी ऑडिट में आप चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैचरी ऑडिट के अंदर। बेसिकली यू चेक द कंप्लायंस ऑफ, यू चेक द कंप्लायंस ऑफ एएस। ऑडिटर किसका कंप्लायंस चेक करेगा? एएस का। एएस का रीजन बीइंग एएस इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज फार एज द इंटरनल ऑडिट इज कंसर्न्ड, इंटरनल ऑडिट के अंदर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करते, आप चेक करते नॉर्मली द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप चेक करेंगे द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इफेक्टिव है, प्रॉपर है या नहीं है, फ्रॉड्स वगैरह आप रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे, एसेट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं आप, आपका सिस्टम चेक करेंगे किसके अंदर, इंटरनल ऑडिट के अंदर, ठीक है ना। कॉस्ट ऑडिट के अंदर आप चेक करते हैं सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट ऑडिट के अंदर आप क्या चेक करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। और यहां पर आप चेक करते हैं सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स, ड्राफ्टिंग है, नोटिसेस हैं, मिनट्स हैं, ये सब सेक्रेटरी का काम होता है, मिनट्स को तैयार करना। मिनट सुना है, मीटिंग होती है उसके बाद समराइज कर डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसे क्या बोलते हैं, मिनट्स। तो ड्राफ्टिंग वगैरह जो है वो सारे काम कौन करता है? सेक्रेटरी। तो बात को समझिए आप, यहां पे आप चेक करोगे चेक द कंप्लायंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसे बोलते हैं CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और यहां पे आप चेक करते हैं, यू चेक द कंप्लायंस ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। आप यहां चेक करेंगे कंप्लायंस इसका SS का, AS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, SS, ठीक है ना। सर द फोरमोस्ट क्वेश्चन इज स्टैचरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैचरी ऑडिट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन? CA। इंटरनल ऑडिट को लेकर बड़ा फ्लेक्सिबल है MCA और कहता है भाई इंटरनल ऑडिट CA भी कर सकता है, CMA भी कर सकता है या कोई और प्रोफेशनल भी कर सकता है, इस पे कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। CA, CMA, अदर प्रोफेशनल, तीनों को अधिकार दिया। अदर प्रोफेशनल बहुत बड़ा हेड है, वो तो कोई भी कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसे आप नॉर्मली CMA कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट। और ये करेगा द कंपनी सेक्रेटरी, द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। बस एक बात ध्यान रखिएगा सर, CA को स्टैचरी ऑडिट करनी है, कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिट करनी है या कंपनी सेक्रेटरी को सेक्रेटरी ऑडिट करनी है, तीनों के लिए कॉमन फीचर है। इन तीनों के लिए इनके पास होना चाहिए, दे मस्ट बी हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर ये क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस? यार कोई भी आदमी CA बनता है फॉर एग्जाम्पल, क्या करेगा CA बनने के बाद? दो ही काम करता है, मेनली बात कर रहा हूं, ठीक है, या तो जॉब करेगा या प्रैक्टिस करेगा। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एकदम समाज सेवा में चले जाते हैं, आप मानिए, जैसे मेरी बात कर लीजिए आप। अब जैसे मैं तो समाज सेवा ही कर रहा हूँ ना एक तरीके से,
तो हाँ जी, तो अगर आप मेरी मेरी बात करिए तो सर मैं तो अलग हो गया बिल्कुल, ठीक है। मोटा मोटी बात करिए, दो तरह के लोग हैं, एक जॉब वाले लोग हैं, एक प्रैक्टिस वाले लोग हैं। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्हें इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? तो अगर आपको ऑडिट करनी है आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। स्टैचरी के लिए सीए के पास, सेक्रेटरियल के लिए सीएस के पास, और कॉस्ट के लिए सीएमए के पास। इन तीनों के पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इतना क्लियर है? आ रही है बात समझ में? डन। चलिए, तो जो मैं प्रोविजन आपको बता रहा था अभी तक, वो सारे प्रोविजन किसके थे भाई? स्टैचरी ऑडिट के। तो जरा एक बार आप पढ़े इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है। इंडिया में ऑडिट को कंपलसरी किया गया 1914 के अंदर, और कंपनीज एक्ट तब कौन सा लागू था? कंपनीज एक्ट 1913 जब आया तो आपने इसको लागू कर दिया, ठीक है ना। उस वक्त कोई क्वालिफिकेशन तो थी नहीं, तो आपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने क्या देने शुरू कर दिए भाई? डिप्लोमा। जरा पढ़ना क्या लिखा है। द एक्ट ऑल्सो कंटेन द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू बिकम ऑडिटर्स। एज अ रिजल्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग द गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। तो वहां पे फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने क्या देने शुरू कर दिए? गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, एंड होल्डिंग दिस डिप्लोमा वॉज कंसिडर्ड द क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप क्वालिफाइड ऑडिट करने के लिए। मेरे पास डिप्लोमा की इमेज भी होगी, आप देखिए ये है सर, थोड़ा सा ब्लर होगा आप अगर देखें तो। इसमें नाम लिखा हुआ है जगदीश प्रसाद बी कॉम, ठीक है, कॉलेज वगैरह का नाम है, गवर्नमेंट डिप्लोमा अकाउंटेंसी है, सेक्रेटरी के साइन है, फॉर गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे उसके साइन है। तो ऐसा डिप्लोमा आपने ले लिया तो आप ऑडिट कर सकते थे पहले। फाइनली क्या बोला गया 1949 में? बोला गया कि सर सीए इंस्टीट्यूट को स्थापित करेंगे, और 1 जुलाई 1949 को सीए इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर दिया गया। और सीए इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने के बाद सीधे सीधे बोला कि भाई अगर आपको ऑडिट करनी है तो ऑडिट करने के लिए अ पर्सन हैज टू बी द मेंबर ऑफ आईसीएआई। उस पर्सन का क्या होना जरूरी है? द मेंबर ऑफ आईसीएआई। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो पहली बात तो आप मेंबर हो सीए इंस्टीट्यूट के, साथ में आपके पास सीओपी हो, पहले भी कह चुका हूं सीओपी होनी जरूरी है। इतना क्लियर है? चलिए, तीन बातें वर्कआउट कर चुके हैं सर। पहली बात है ऑडिट का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, तो मैंने आपको बताया ऑडिट वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑडायर। वर्ल्ड में फॉर्मल ऑडिट कहां से स्टार्ट हुई, तो 1844 में इंग्लैंड, और 1888 में सीए इंस्टीट्यूट को स्थापित करना इंग्लैंड के अंदर। इंडिया की बात करें 1914 में ऑडिट को कंपलसरी करना, और 1949 में सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करना, ठीक है ना। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन केस यू आर हैविंग सम हैंडआउट, अगर आपके पास कोई हैंडआउट है बेसिक का तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिंपली नोट कर सकते हैं मेरे साथ, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एक ऐसा हैंडआउट होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ नोट करिए सर ओरिजिनेशन पार्ट को, देखिए आप जरा लिखिए इसको मेरे साथ। ऑडिट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑडायर, फ्रॉम द वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर, विच मीन्स टू हियर। इन द ओल्डन डेज द ऑडिटर यूज टू लिसन द The auditor used to listen the accountants about preparation of accounts
एंड देयर आफ्टर फॉर्म्स एन ओपिनियन। तो भाई ऑडिट वर्ड जो है ये ऑडायर वर्ड से ओरिजिनेटेड है, एंड यू आर वेल अवेयर कि ऑडायर वर्ड का मतलब क्या है, इट मीन्स टू हियर, ठीक है ना। तो ऑडिटर किसी वक्त ऑडिट करते थे अकाउंटेंट को सुनने के बाद, ऑडिटर किसी वक्त ऑडिट करते थे अकाउंटेंट को सुनने के बाद, ठीक है ना। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला दिया है इमर्ज, ये अगर आप नोट करना चाहते हैं, किसी का बाकी रह गया तो नोट कर सकते हैं साथ साथ में। अगला है इमर्जेंस ऑफ ऑडिट इन वर्ल्ड, तो पहले बात कर लेते हैं इसमें इंग्लैंड की। इन द ईयर 1844 ऑडिट वॉज मेड कंपल्सरी इन इंग्लैंड, ऑडिट वॉज मेड कंपल्सरी इन इंग्लैंड। किन के लिए कंपल्सरी? फॉर द कंपनीज रजिस्टर्ड देयर इन, फॉर द कंपनीज रजिस्टर्ड देयर इन, जो कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड थी उसके लिए ऑडिट कंपल्सरी कर दिया गया। देयर आफ्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स वॉज सेटअप, इंग्लैंड एंड वेल्स वॉज सेटअप इन द ईयर 1888 टू प्रिपेयर क्वालिफाइड ऑडिटर्स इन इंग्लैंड। तो दो चीजें थी, पहली बात तो 1844 में ऑडिट वॉज मेड कंपल्सरी, ठीक है ना। एंड सेकेंड स्टेप इज इन द ईयर 1888 द सीए इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन द ईयर 1888। क्लियर? तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड की बात की है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी आपको पता है सर दो मेजर चीजें हैं। सबसे पहले तो इन द ईयर 1914 ऑडिट वॉज मेड कंपल्सरी इन इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1913 वाले कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट को कंपल्सरी किया गया। तब कोई क्वालिफिकेशन तो थी नहीं, तो फिर वहां पे सिस्टम था डिप्लोमा का, लिखना आप इसके नीचे पॉइंट, एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डिप्लोमास, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने डिप्लोमास देने शुरू कर दिए, ठीक है ना, विच वॉज द
क्वालिफिकेशन, विच वॉज द क्वालिफिकेशन टू बिकम ऑडिटर, वो क्वालिफिकेशन थी ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ऑन 1st of July 1949 ICAI वॉज established. ICAI was established in India to prepare the qualified auditors, to prepare the qualified auditors in India. तो 1949 में अल्टीमेटली आपने ICAI को establish किया, और अगेन आपका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिपेयर द क्वालिफाइड ऑडिटर्स इन इंडिया। इज इट क्लियर? चलिए, किसी का बाकी है नोट कर सकते हैं, 15 से 20 सेकंड में दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन बातें डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। पहला था फर्स्ट इज ओरिजिनेशन, सेकंड इज द इमर्जेंस ऑफ ऑडिट इन वर्ल्ड, थर्ड इज द इमर्जेंस ऑफ ऑडिट इन इंडिया, और इसके बाद जरा बात कर लेते हैं किसकी, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट की। फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट की, मेरे पास पूरा फ्रेमवर्क है, स्लाइड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक बार हैंड रिटन तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जरा समझना मेरे साथ बहुत ध्यान से। ये फ्रेमवर्क बहुत काम आने वाला है सर, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके लिए आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना इस फ्रेमवर्क को आप। सर मैं जनरली कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी में दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सर आप मुझे बताएंगे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे कंपनी में। पहला तो इन्वॉल्व होंगे भाई कंपनी के डायरेक्टर्स, दूसरे इन्वॉल्व होंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स। आप जरा ये बताओ भाई पैसा किसका लगा है कंपनी में, डायरेक्टर का लगाया है शेयर होल्डर का लगाया है? शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है कंपनी में, तो शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं, दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। सर शेयर होल्डर खुद कंपनी नहीं चला सकते, रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं, दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, क्या पॉसिबल है रिलायंस के लिए कंपनी संभाल पाए? नहीं सर। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्संस को अपॉइंट करते हैं बोर्ड में, और वो उनसे कहते हैं आप कंपनी चलाओ, हमने कंपनी आपके सुपुर्द कर दी है, आपने कंपनी चलानी है सर। तो आपने अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। अब कंपनी संभालेंगे डायरेक्टर्स और पूंजी लगाएंगे शेयर होल्डर्स, कंपनी संभालेंगे डायरेक्टर्स, पूंजी लगाएंगे शेयर होल्डर्स। बड़ी पुरानी थ्योरी है इंग्लैंड की 1917 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, मैंने बहुत स्टडी किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, बहुत डिटेल में मैंने इस पे काम भी किया है। तो सर इंग्लैंड की एक थ्योरी है एजेंसी थ्योरी, वो कहती है यहां पर शेयर होल्डर को मानेंगे डायरेक्टर, शेयर होल्डर को मानेंगे प्रिंसिपल और डायरेक्टर को मानेंगे एजेंट। डायरेक्टर्स आर बेसिकली एक्टिंग एज द एजेंट, ये यहां पर जो डायरेक्टर्स बैठे हैं ये एजेंट्स हैं। एजेंट क्यों है भाई ये, क्योंकि ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर के बिहाफ में, शेयर होल्डर को आप क्या मानेंगे प्रिंसिपल। जो इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी,
दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप सर। रिलायंस में 35 लाख शेयर होल्डर ने भरोसा करके आपको कंपनी आपके हवाले कर दी, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, आप शेयर होल्डर के हित में काम करोगे? अगर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम ना करके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को संभालेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, तो आप मानेंगे वहां एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होगी। जैसा कि हुआ सत्यम के केस में, राजू ने लाखों शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया अपनी पर्सनल एसेट्स को, वेल्थ को बढ़ाने के लिए। किंगफिशर के अंदर विजय माल्या ने किया, नीरव मोदी ने किया। सर ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं शेयर होल्डर के साथ, जबकि प्रिंसिपल कहता है कि आपको शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। अगर आप नहीं करोगे तो वहां एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी सर, और एजेंसी प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका है ऑडिट करवाओ। डायरेक्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यह कौन चेक करेगा सर? यह चेक तो शेयर होल्डर तो नहीं कर सकते, वो एक्सपर्ट तो नहीं है। तो शेयर होल्डर एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे, वो एक्सपर्ट चेक करेगा डायरेक्टर के वर्क को। उस एक्सपर्ट को आप क्या बोलते हैं? ऑडिटर। उस एक्सपर्ट को आप क्या बोलेंगे? ऑडिटर। तो आ रही है बात समझ में? शेयर होल्डर ने पूंजी लगानी है, डायरेक्टर का काम क्या है जरा बताओ। मैं यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्टर्स वर्क इज बेसिकली टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर का वर्क है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने का, शेयर होल्डर का काम है पैसा लगाने का, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे, मैनेजमेंट करेगा, या शेयर होल्डर करेंगे? सर शेयर होल्डर तो नहीं करेंगे ना, तो शेयर होल्डर ने नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार, तो फिर कौन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी संभालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों तैयार करेंगे आप बताइए जरा मुझे। जब सर कंपनी की हर साल एजीएम होगी, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, तो डायरेक्टर्स पहुंचेंगे शेयर होल्डर के पास, सर ये है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये रही हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये रहे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप देखें सर इतना प्रॉफिट कमाया, इतने की एसेट्स है, इतने की लाइबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करोगे सर, किसके सामने पेश करोगे? आप पेश करेंगे शेयर होल्डर के सामने। शेयर होल्डर के सामने आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी है। शेयर होल्डर चेक करवाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। अगर लगता है आपने सही से काम किया है तो बात ठीक है सर, अगर लगता है आपने ठीक से काम नहीं किया तो शेयर होल्डर आपको हटा सकते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शेयर होल्डर खुद चेक करेंगे? नहीं सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करवाएंगे शेयर होल्डर। किससे चेक करवाएंगे? चेक करवाएंगे एक एक्सपर्ट से। उस एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर, और वो एक्सपर्ट चेक करेगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर हैं या नहीं है। उस एक्सपर्ट को आप क्या बोलते हैं? ऑडिटर। मतलब यहां पे ओनर का जॉब क्या है? ओनर विल अपॉइंट द एक्सपर्ट। ओनर विल अपॉइंट द एक्सपर्ट। ओनर का जॉब है एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का। और एक्सपर्ट का जॉब क्या है सर? एक्सपर्ट चेक करेगा, क्या चेक करेगा? एक्सपर्ट विल एग्जामिन। एक्सपर्ट विल एग्जामिन किसको एग्जामिन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
ठीक है ना। तो ध्यान देना जरा मेरी बातों पे। अब एग्जामिनेशन का जो ये प्रोसेस है, एग्जामिनेशन का जो ये प्रोसेस है, आप इसे बोलते हैं ऑडिट, और इस एक्सपर्ट को आप बोलते हैं ऑडिटर। इस एक्सपर्ट को आप बोलते हैं ऑडिटर, और जो एग्जामिन करने का प्रोसेस है आप इसे क्या बोलेंगे? ऑडिट। और जब ऑडिट होगी सर, तब आप बोलेंगे ऑडिटिंग। ऑडिट और ऑडिटिंग में फर्क है। ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन करने का प्रोसेस, और जब ऑडिट कैरी करोगे आप, तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, इतना क्लियर है? तो सर व्हेन ऑडिट इज कैरीड ऑन, मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हेन ऑडिट इज कैरीड ऑन, जब ऑडिट को कैरी करोगे आप, तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज ऑडिटिंग। आप इसे क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग। इतना क्लियर है? तो देखो, तीन सवाल आपसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा सर। चेक करवाने का राइट किसके पास? शेयर होल्डर के पास। चेक कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर करेंगे। शेयर होल्डर करेंगे। इतना क्लियर है? अब देखो सर, आपने अपॉइंट किया एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट ने एग्जामिन किया, एग्जामिन करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑडिट। जब ऑडिट करेगा तो आप क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग। ठीक है ना। अब मुद्दे वाली बात, ये एग्जामिन क्यों कर रहा है सर? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जामिन करने का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जामिन करने का? तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन ओपिनियन देयर ऑन। देयर ऑन मीन्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का सोल ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का। अब सर ओपिनियन किस बारे में देगा? ओपिनियन देगा ऑडिटर ऑडिट करने के बाद, सुनना अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिया के अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है। अब सर मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है? इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है प्रिपेयर करने के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रेजेंट करने के लिए स्केड्यूल 3। प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रेजेंट करने के लिए स्केड्यूल 3। AS और स्केड्यूल 3 मिलकर इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं। AS और स्केड्यूल 3 मिलकर इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं, और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को बड़ा बेहतर नाम दिया गया है सर। US GAAP पहली बार उसने बोला US के अंदर कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना इज नॉट अकाउंटिंग, इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग तो लेजर बनाना है यार, टैली में एंट्री करना अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना इज नॉट अकाउंटिंग, दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ढांचा क्या है? इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क किससे बनेगा? दो चीजों से बनेगा। पहली बात तो AS से बनेगा, दूसरी बात स्केड्यूल 3 से बनेगा। इतना क्लियर है? यह इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, या आप कहें यह इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो चेक करेगा ऑडिटर क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया गया है। चेक करेगा ऑडिटर क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को AS के हिसाब से बनाया गया है। चेक करेगा ऑडिटर क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्केड्यूल 3 के हिसाब से बनाया गया है, और फिर ओपिनियन देगा। इतना क्लियर है? तो यहां पे टू प्रोवाइड एन ओपिनियन देयर ऑन, तो ओपिनियन किस बारे में?
एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बताएंगे ओपिनियन में कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से तैयार किए गए हैं, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से तैयार किए गए हैं। ठीक है ना, तो इंडिया में एफआरएफ किस चीज से बनेगा? इंडिया में एफआरएफ दो चीजों से बनेगा। पहली बात तो इंडिया में एफआरएफ बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, दूसरी बात इंडिया में एफआरएफ बनेगा स्केड्यूल 3 से। ठीक है ना, एएस से कंप्लाई करना है, क्यों करना है भाई? अकाउंट्स को तैयार करने के लिए। एएस को आप क्यों मानोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए। और स्केड्यूल 3 को आप क्यों मानोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तो मानते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और स्केड्यूल 3 को मानेंगे प्रेजेंट करने के लिए। दिस इज फॉर प्रिपरेशन एंड दिस इज फॉर द प्रेजेंटेशन, दिस इज फॉर द प्रिपरेशन, दिस इज फॉर द प्रेजेंटेशन। ये दोनों मिलकर इंडिया का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, दोनों मिलकर इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहलाएंगे। ये दोनों ही मिलकर इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहलाएंगे। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए तो सर स्टार्टिंग से देखिए, शेयर होल्डर ने अपॉइंट करना है एक्सपर्ट को, वो ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद ओपिनियन देगा, ओपिनियन में बताएगा क्या एफआरएफ को माना गया है, मतलब क्या एएस को माना गया है, क्या स्केड्यूल 3 को माना गया, उसको बताना है। दूसरी बात ओपिनियन में बताएगा ओपिनियन देगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब वो बताएगा सर कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी की वर्किंग को लेकर, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को लेकर। तो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है? अब सर सवाल बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सर आप ऑडिट करने के लिए गए, आपको बैलेंस शीट मिली, बैलेंस शीट में लिखा है इन्वेंटरी 2 करोड़ की है, आपने लेजर चेक किए पता चला 2000 पीस हैं 2 करोड़ के। ठीक है सर, 2000 पीस हैं 2 करोड़ के, बैलेंस शीट में क्लाइंट ने 2 करोड़ रुपए दिखाया है। आप कहते हैं सर कारो बोलता है, ठीक है ना, गाइडेंस नोट बोलता है मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना है, नहीं कर सकता मैं खुद करूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन। आपने इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता चला कि 2000 पीस बताए गए थे, 2000 पीस हैं, 2000 पीस बताए गए, 2000 पीस हैं। इसका मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, वो ट्रू व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू का मतलब क्या होता है सर? ट्रू मींस करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, ट्रू मींस करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट बताया वो फैक्ट करेक्ट है, आप मानेंगे ट्रू व्यू है। फेयर,
अब आपने कहा कि सर 2 करोड़ की इन्वेंट्री आपने बताई है, जरा मैं AS2 के हिसाब से इसका वैल्यूएशन कर लूँ। आपको पता है AS2 के अंदर वैल्यूएशन होता है इन्वेंट्री का, तो क्या फॉर्मूला है भाई? कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। जब AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन किया गया इन्वेंट्री का, तो पता चला इन्वेंट्री तो यार 1.5 करोड़ की है। अच्छा, क्लाइंट ने कितने की इन्वेंट्री दिखाई थी? 2 करोड़ की। AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री कितनी है? 1.5 करोड़ की। कर दिया झोल क्लाइंट ने, झोल कर दिया ना क्लाइंट ने। अब यहां पे क्लाइंट ने जब ये कर दिया सर, तो इसका मतलब क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू व्यू तो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 2000 पीस बोले थे, 2000 पीस निकले, लेकिन क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करते सर, फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करते। फेयर का मतलब होता है, ध्यान रखिए आप, फेयर का मतलब होता है इन कंप्लायंस ऑफ लीगल रेगुलेशन, इन कंप्लायंस ऑफ लीगल रेगुलेशन। ट्रू व्यू तो है लेकिन फेयर व्यू नहीं है, ट्रू व्यू तो है लेकिन फेयर व्यू नहीं है। तो क्या बोलता है आपसे यहां पर पॉइंट? पॉइंट कहता है ट्रू भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। तो ओपिनियन आप किस चीज को लेकर दोगे? ओपिनियन आप 2 चीजों को लेकर दोगे, FRF को लेकर दोगे और ट्रू एंड फेयर को लेकर दोगे, ठीक है ना? फिर से देखिए, सारा का सारा आपने कंपनी संभालनी है, इन लोगों ने पैसा लगाना है, ये एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे, वो एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने की जो प्रोसेस है उसे ऑडिट बोलेंगे, और जब ऑडिट कैरी करेंगे तो ऑडिटिंग कहलाएगी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देने का। ओपिनियन वो किस बारे में देगा? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF को मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप देखिए, ठीक है ना? ये आप नोट कर लिए, जिन लोगों ने नोट कर लिया है, साथ साथ में बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो नोट कर सकते हैं, टाइम मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? प्रॉपर 1 से 1.5 मिनट में आपको दूंगा नोट करने के लिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना? इसमें अब आप ये थोड़ा सा नीचे नोट कर लें,
ये रिमेनिंग कंटेंट है, तो आई एम प्रोवाइडिंग योर टाइम, जिन्हों का नहीं नोट हुआ है वो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। चलिए, तो ये एक फ्रेमवर्क हमने डिस्कस कर लिया है और बहुत सारी चीज़ें इससे हमने सीखी हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस डिस्कशन के बाद, आप ज़रा देखिएगा सामने एक बार। जो है हमने डिस्कस कर लिया सारा का सारा, आप मुझे बताएं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लीज प्रोवाइड मी द आंसर। क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की? मैनेजमेंट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो सर, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इन चारों को आप क्या मानेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो एक्सपर्ट होगा आप उसे क्या मानेंगे? दैट पर्सन इज बेसिकली टर्म्ड एज द ऑडिटर। वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, बहुत डेप्थ डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने का प्रोसेस है आप उसे क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस टर्म्ड एज ऑडिट। अपॉइंट कौन करता है ऑडिटर को? तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, याद करिए, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। क्वालिफिकेशन क्या है? तो पता है आपको क्वालिफिकेशन क्या है भाई, CA+COP, पहले से पता है आपको। ऑडिटर अपनी ओपिनियन कहाँ देगा? ओपिनियन देगा ऑडिट रिपोर्ट में। ओपिनियन कहाँ देगा? ऑडिट रिपोर्ट में। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है? ट्रू मीन्स करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, एंड फेयर का मतलब क्या है? इन कंप्लायंस ऑफ द लीगल रेगुलेशन। एंड व्हाट इज FRF इन इंडिया? तो FRF इंडिया का FRF क्या है? प्रिपरेशन के लिए AS, प्रेजेंटेशन के लिए स्केड्यूल 3। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगला जो पॉइंट है, दिस इज डेफिनीशन ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट की डेफिनीशन है सर, और SA-200 के अंदर डेफिनेशन दी गई है, तो SA-200 के हिसाब से ही पढ़ना है हमें, ताकि वो हमें क्लियर रहे कि SA-200 के हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, वो देखना है हमको, ठीक है ना। चलिए तो एक बार जरा देख लेते हैं सर क्या डेफिनेशन ऑडिट की, आप सामने देखिए, बड़ा सारा इसमें इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. मैंने इस डेफिनेशन को सिर्फ रीड किया है, समझाया नहीं है आपको, ठीक है ना। तो एक मत बोलना सर तो रीड ही करते जा रहे हैं यार। मैंने डेफिनेशन को चार पार्ट में ब्रेक कर दिया है, चार पार्ट में आप देख सकते हैं।
पहले में लिखा है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंडिपेंडेंट। सर आप कितनी दफा पढ़ेंगे आपको खुद पता नहीं। सेक्शन 141 के स्टार्टिंग में आप देखेंगे सबसेक्शन 3 के अंदर बड़ी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस आपको मिलेंगी, बताता हूं आपको, थोड़ा बहुत शेयर करता हूं आपके साथ। कहीं पे लिखा है कि ऑडिटर नहीं बन सकते आप अगर आपने शेयर्स लिए हैं कंपनी के, आप नहीं बन सकते अगर आपने लोन लिया है कंपनी से, आपने गारंटी सिक्योरिटी कंपनी ने दी है, ठीक है ना, मतलब सर बड़ी दिक्कतें हैं, आपने कंपनी के साथ पैसे का ट्रांजैक्शन किया आप डिस्क्वालिफाइड हो, आपके रिलेटिव ने शेयर खरीदे आप डिस्क्वालिफाइड हो, तो सर दूर दूर तक भी कंपनी और ऑडिटर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। बड़ा जोर दिया है इस बात पे, पुराने कंपनी जैक में इतने डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं थी लेकिन नए कंपनी जैक में बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, और बड़ा जोर दिया है इस बात पे, किस बात पे सर, इस बात पे जोर दिया है कि ऑडिटर शुड बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कंपनी। ना लोन लिया होगा, ना शेयर लिए होंगे, ना आपने लिए है, ना रिलेटिव ने लिए है, ना पैसे का ट्रांजैक्शन किया है, ना बिजनेस रिलेशन किया होगा, ठीक है ना, ना खुद डायरेक्टर होगा, ना खुद एम्प्लॉय होगा कंपनी का। सर कितने ज्यादा चीजें, आखिरकार सरकार एक ही बात कहती है आप इंडिपेंडेंट होगे सर, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वहां पे ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज होगी, ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज होगी। एग्जांपल लेता हूं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी से 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का मानिए, और मैं उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो जाता हूं, आपको पता है सीएसीओपी तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कंपनी ने मुझे अपॉइंट कर दिया एज द ऑडिटर, बहुत बढ़िया सर, 50 लाख का लोन मैंने लिया है सर और मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूं। अब जब मैंने ऑडिट शुरू की मुझे पता चला फ्रॉड हो रहा है यार कंपनी में, मैंने एमडी से बोला सर फ्रॉड हो रहा है, मैं तो लिखूंगा ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा। एमडी कहता है देख भाई 50 लाख का लोन दिया था ना तेरे को, तुरंत वापस करना पड़ेगा, अगर तू ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो मेरा लोन तुरंत वापस कर। अब मैं सोचता हूँ यार क्या मतलब हरीश चंद्र बन के, अगर मैंने ये बात रिपोर्ट ने बता दी कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में तो मेरा लोन छिन जाएगा मुझसे, मुझे लोन वापस करना पड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलने दो, चलने दो, फ्रॉड हो रहा है होने दो, मेरा इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट बचे रहना चाहिए, मेरा लोन प्राइमरी है, लाखों शेयर होल्डर प्राइमरी नहीं है। तो सरकार कहती है अगर तुमने लोन लिया है तो आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपके ऊपर अंडियू प्रेशर तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो वहां पे कहा गया है कि सर अगर आपने लोन लिया है तो आप डिस्क्वालिफाइड है, इवन आपके रिलेटिव ने लोन लिया है तो आप डिस्क्वालिफाइड है, यू मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। और जो आपका एग्जामिनेशन है ऑब्वियसली बात है वो एग्जामिनेशन भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ अनबायस तरीके से आप एग्जामिनेशन करिए। तो द एग्जामिनेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अरे कुछ बात समझ में, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, चलिए सेकंड पॉइंट, किसका एग्जामिनेशन करेंगे सर, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। मैंने आपसे पहले भी कहा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां पे होगी, contained in the financial statements, ये financial information कहां होगी, contained in the financial statements, ठीक है ना, किसकी financial information of, बहुत ही बढ़िया point, any entity, बहुत जबरदस्त point है सर ये, हमेशा कहता हूं मैं, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे तो ऐसे 200 उसको ऑडिट मानेगा, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, चाहे वो एंटिटी बड़ी हो या छोटी,
चाहे वो एंटिटी कंपनी हो या पार्टनरशिप, आप किसी मर्जी एंटिटी की ऑडिट करिए, ऐसे 200 तो उसको ऑडिट मानेगा। मेरी बात समझे, इसका जबरदस्त इंपैक्ट है। अगर ऐसे 200 पार्टनरशिप की ऑडिट को ऑडिट मानता है, और मानता है सर, मानता है, पार्टनरशिप की ऑडिट को अगर ऐसे 200 ऑडिट मानता है, तो इसका मतलब बाकी ऐसे उस ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी ऐसे सारे के सारे ऐसे उस ऑडिट के ऊपर लागू होते हैं जिस ऑडिट को डिफाइन किया ऐसे 200 के अंदर। और ऐसे 200 कहता है कि पार्टनरशिप की ऑडिट भी ऑडिट है, और अगर पार्टनरशिप की ऑडिट को ऐसे 200 ने ऑडिट मान लिया, तो बाकी सारे स्टैंडर्ड उस पार्टनरशिप की ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट है सर इस पॉइंट का, बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट है कि अगर आपकी पार्टनरशिप की ऑडिट ऑडिट है, तो फिर पूरे स्टैंडर्ड्स आपको मानने पड़ेंगे। अगर आपकी एलएलपी की ऑडिट ऑडिट है, तो पूरे स्टैंडर्ड्स मानने पड़ेंगे। अगर एनपीओ की ऑडिट ऑडिट है, तो पूरे स्टैंडर्ड्स मानने पड़ेंगे। और ऐसे 200 कहता है ये ऑडिट है, ये ऑडिट आप किसी की ऑडिट कर लीजिए सर, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, चाहे उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई मर्जी लीगल फॉर्म हो सर, कोई मर्जी लीगल फॉर्म हो, लीगल फॉर्म कोई भी हो, आपको वहां पे अगर एग्जामिनेशन करते तो ऑडिट माना जाएगा। पहली बात, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ठीक है ना, द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ये बात फ्रेमवर्क के अंदर भी डिस्कस की थी, याद करना। जब आपने एग्जामिनेशन किया होगा, तो एग्जामिनेशन का मोटिव क्या रहा होगा आपका, एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा आपका, आपका ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का। आपका ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का। तो सर ऐसे 200 से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इस डेफिनेशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि जो ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव तो सर ओपिनियन देने का ही है। जो ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो तो ओपिनियन देने का ही है। आप ऑडिट करने जाओगे तो फ्रॉड का पता लगाना आपकी प्राइमरी जॉब नहीं है। आप मेरी बात समझना, आप इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहे हो सर, आप एग्जामिनेशन करने जा रहे हो। एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशन में फर्क है, मार्क माई वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है यहां पर आप देखिए, This is an examination. मैं लिख देता हूं, not investigation. This is an examination, not investigation. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना जो अब मैं बोल रहा हूं। फ्रॉड का पता लगाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। आप फ्रॉड को ढूंढने नहीं गए सर, आप गए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके ओपिनियन दीजिए, ये आपका प्राइमरी जॉब है, ये आपका प्राइमरी जॉब है। लेकिन सर एक डाउट बनता है, अगर ऑडिटर के सामने सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर ऑडिटर को डाउट है यार कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, तो क्या ऑडिटर अपनी आंखें बंद कर लेगा, बोलेगा नहीं सर मैं तो देखूंगा नहीं, ऐसे 200 कहता है, मेरा काम तो ओपिनियन देने का है। तो क्या ऐसे आंख बंद करके बोलेगा नहीं सर मैं तो नहीं देखने वाला, ऐसा नहीं है सर।
इंग्लैंड का एक बड़ा पुराना केस है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस। वो केस क्या बोलता है आपको पता है? वो केस क्या बोलता है? वो केस कहता है सर कि फ्रॉड का पता लगाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, प्राइमरी जॉब इज विद द मैनेजमेंट, लेकिन अगर ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में डाउट हुआ तो वो अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करके ज्यादा चेकिंग करके ज्यादा एविडेंसेस लेके फ्रॉड का पता लगाएगा, और फ्रॉड का पता लगा लेगा तो फ्रॉड को रिपोर्ट करेगा। फिर सुनिए फिर से एक बार, आपका प्राइमरी जॉब फ्रॉड को फाइंड आउट करने का नहीं है, लेकिन अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होते हैं आपके आगे तो चुप भी नहीं बैठना सर, फिर वहां पे फ्रॉड का पता लगाइए और फ्रॉड का पता लगने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करिए आप। इतना क्लियर है? तो सर ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव हो गए, आप देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देने का, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अगर फ्रॉड का शक हुआ तब प्रोसीजर्स को बढ़ाकर फ्रॉड का पता लगाकर रिपोर्ट दे दो। फ्रॉड का पता लगाना आपका प्राइमरी जॉब नहीं है, वो तो मैनेजमेंट का प्राइमरी जॉब है। आपका प्राइमरी जॉब है ओपिनियन देने का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सर, ऐसे 200 कह रहा है, ऐसे 200 कहता है यार आपका जॉब है फ्रॉड का पता लगाने का, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये तो मैनेजमेंट की जॉब है। हाँ, अगर फ्रॉड आपके सामने आया तो किंगस्टन कॉटन मिल्स केस कहता है कि चुप नहीं बैठना सर, एग्जामिनेशन करिए, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करिए, फ्रॉड का पता लगाइए और फ्रॉड की रिपोर्टिंग करिए। उस केस के अंदर एक बात कही गई थी, कई लोगों को बुरी भी लगती है सुनने में, बच्चों को खासकर, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, ये बोला गया उस केस के अंदर, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, जाएगा एग्जामिनेशन करेगा, चेकिंग करेगा, ठीक है ना, इज नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड मीन्स, ब्लड हाउंड इज अ ब्रीड ऑफ डॉग, डॉग की एक ब्रीड है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने साथ कैरी करती है। भाई आप ब्लड हाउंड नहीं हुई, गए आपने फ्रॉड निकालना शुरू कर दिया, आपने कहा नहीं सर मैं ही क्रांति लेकर आऊंगा और मैं फ्रॉड का पता लगाऊंगा, दुनिया का बेस्ट ऑडिटर का अवार्ड लूंगा मैं और सबसे आगे मैं रखूंगा। आपने कहा नहीं मैं फ्रॉड का पता लगाऊंगा, सर ये नहीं होगा, आप ब्लड हाउंड नहीं हो। केस कहता है आप वॉच डॉग का काम करिए, जाओ देखते रहो, एग्जामिनेशन करते रहो, डाउट हो और एविडेंसेस लो, रिपोर्ट बनाओ, बता दो। ये नहीं कि जाते ही आपने देखा है कभी आपने इन्वेस्टिगेटिंग डॉग को, स्टार्टिंग से ही चालू हो जाता है भाई, आप कहीं भी लेके जाओ, देखिए मेट्रो स्टेशन वगैरह में आप, उसका जॉब ही क्या है, उसका तो माइंड ही डेवलप किया गया है कि भाई तू तो बम ढूंढने के लिए आया है, तो उसके तो दिमाग में बम चल रहा है हर तरफ। ऑडिटर के दिमाग में फ्रॉड नहीं चलना चाहिए हर तरफ, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आया सर, वो एग्जामिनेशन करने के लिए आया है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए ऑडिट के, पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंड है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका, बताइए जरा फिर से एक बार, रिपोर्ट देने का, ओपिनियन देने का। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड का अगर डाउट है प्रोसीजर एक्सटेंड करिए, फ्रॉड का पता लगाइए, रिपोर्टिंग करिए। इज इट क्लियर? पहले ऑब्जेक्टिव पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा इस पे, हालांकि डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है हमने, लेकिन डेफिनेशन पे एक चर्चा और करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले एक बार ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों के पास हैंड आउट है वो देखना, आपको एक हैंड आउट में आखिरी एक पॉइंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है ना। तो जरा आप लिखें इस बारे में मेरे साथ, जिन लोगों के पास हैंड आउट नहीं है वो सिंपली अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो दो पार्ट में इसको बांट सकता हूं भाई, पहला हो जाएगा फर्स्ट इज द
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और यहां रख सकते हैं भाई किसको, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं जरा। एस ए 200 प्रोवाइड्स दैट ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। इट मीन्स ऑडिटर्स प्राइमरी जॉब इज नॉट टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड करेक्ट द फ्रॉड्स एंड एरर्स। ही इज प्राइमरली बाउंड टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्क्लूजन्स ड्रॉन बाय हिम आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। After performing the audit procedures, तो ऑडिटर का जॉब फ्रॉड का पता लगाने का नहीं है, उसका जॉब है ओपिनियन देने का। जो कंक्लूजन ड्रॉ किए होंगे उसके आधार पे ओपिनियन देगा, ठीक है ना। तो आप जरा बताएं कि प्राइमरी जॉब किसका है फ्रॉड का पता लगाने का? मैनेजमेंट का प्राइमरी जॉब है। इट इज द मैनेजमेंट, इट इज द मैनेजमेंट हु इज, इट इज द मैनेजमेंट हु इज who is primarily responsible to detect, prevent and correct the frauds and errors. But if auditor, comes to know about suspicious circumstances or there are doubtful situations
ऐसे हालात हैं कि जहां पे बहुत शक है ऑडिटर को कि यार फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, देन ऑडिटर शुड एक्सचेंज हिज प्रोसीजर्स, शुड एक्सचेंज हिज प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट द फ्रॉड इन्वॉल्व देयर इन। अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करके, अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करके डिटेक्ट करेगा वो फ्रॉड को जो फ्रॉड वहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और फिर फाइनली अगर फ्रॉड का पता चल गया आफ्टर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर शैल रिपोर्ट द सेम एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द लॉ। जो तरीका दिया गया है उस तरीके के हिसाब से आप फिर उस मैटर को रिपोर्ट करें। देखें अलग अलग कानून में अलग अलग तरीके दिए हैं, कहीं पर बोला गया है ऑडिट कमेटी को बताइए, कहीं पर बोला गया है भाई गवर्नमेंट को बताएं। तरीके में सबसे पहले है 143 सब सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा है एसए 240 और तीसरा तरीका दिया है कारो 2016 में पैराग्राफ 3 के अंदर, ठीक है ना। तो तीन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके दिए हैं और उसके हिसाब से आपको फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है। तो मेरे हिसाब से आपको बात काफ़ी हद तक क्लियर हो रही होंगी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका ओपिनियन देने का, लेकिन अगर फ्रॉड आपके सामने आएगा तो एक्सटेंड करें प्रोसीजर्स को और फ्रॉड का पता लगाएं और फ्रॉड की रिपोर्टिंग करें, ठीक है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया हुआ है भाई, जरा बताएंगे आप मेरे को एक बार, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया हुआ है, वेयर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर एसए 200, ठीक है ना। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दिया गया है किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंदर, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंदर, ठीक है ना। इतना क्लियर है, आ रही है बात समझ में, चलिए डन। तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स वर्कआउट कर लिए हैं सर, काफ़ी हेल्प आपको इसमें मिलेगी बेसिक्स स्टडी करने के बाद, ठीक है ना। तो आप देखिए ये डेफिनेशन भी है वर्कड आउट और ये ऑब्जेक्टिव भी वर्कआउट कर लिया हमने डिटेल में, ठीक है ना। अब सर एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे डेफिनेशन को एनालाइज तो किया है हमने, इंटरप्रिटेशन किया डेफिनेशन का, इंटरप्रिटेशन करने के बाद, डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप देखें ये कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से बताएं क्या होने चाहिए इनके आंसर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, इट इज एन, बताते जाओ भाई, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिनेशन, ऑफ द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है सर, किसकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कौन करेगा एग्जामिनेशन बाय ऑडिटर, क्यों करेगा ऑडिटर एग्जामिनेशन, टू प्रोवाइड एन ओपिनियन देयर ऑन, क्यों करेगा भाई, ओपिनियन देने के लिए, ठीक है ना। ओपिनियन कहां देगा, तो ओपिनियन देगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ओपिनियन कहां देगा, तो ओपिनियन देगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। हाउ, किस तरीके से रिपोर्ट के अंदर बताएगा, ठीक है, एज पर द प्रोसीजर
लेट डाउन, जो प्रोसीजर दिया है ऑडिट रिपोर्ट कैसे 700 एप्लीकेबल होता है वहां पे, और व्हेन कब बताएगा, कब रिपोर्ट तैयार करेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। हमेशा ध्यान रखिए रिपोर्ट तैयार कब होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी का ऑडिटर करेगा, ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन कहाँ जाएगी, रिपोर्ट में, प्रोसीजर आपको पता है रिपोर्ट तैयार करने का, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग 700 के अंदर, ऐसे 700 के अंदर। साथ में ऑडिट रिपोर्ट कब तैयार करेंगे आप, तो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद। अगर कुछ लोग इसको नोट करना चाहते हैं, करीब करीब मैं 45 से 50 सेकेंड दे रहा हूँ इसको नोट करने के लिए, फटाफट से नोट करिए सर। ठीक है ना, चलिए डन, आगे बढ़े। अब जरा कुछ बचा नहीं है सर इसके अंदर, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑडिट के अंदर। बस एक ही क्वेश्चन हमारे सामने है, हु कैन कंडक्ट ऑडिट। सो हु कैन कंडक्ट ऑडिट, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे। मैं आपके बात अगर बात बताऊं तो जैसे ही 141 सबसेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इसका होगा। तो एज ऑफ नाउ आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, CA plus COP। इस पर बहुत डिटेल्ड इकट्ठा जानकारी करेंगे, ठीक है ना, आने वाले समय में। आने वाले समय मतलब अगले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी तो बेसिक लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सर ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताया है, फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं सारा का सारा। ऑडिट वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ऑडायर वर्ड से। ऑडायर मीन्स विच मीन्स टू हियर। वर्ल्ड में ऑडिट का फ्रेमवर्क कहां से स्टार्ट हुआ, तो 1844 में इंग्लैंड में ऑडिट कंपलसरी करना, 1888 में इंग्लैंड वाले सीए इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिश होना। इंडिया में ऑडिट कब आई, तो इंडिया में ऑडिट आई 1914 में, ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया। और आप ये समझे कि 1949 में सीए इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करते ही सीए कोर्स की एंट्री के साथ ये बोला गया भाई सीए होना जरूरी है। लेकिन पैरेलल क्वालिफिकेशन चल रही थी सीए और डिप्लोमा होल्डर की, बाद में डिप्लोमा होल्डर गया, अब सिर्फ कौन बचा, सीए, ठीक है ना। अगला है फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट, तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन तैयार करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट तैयार करेगा। एग्जामिन कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। ऑडिटर को चेक कौन करेगा, ऑडिटर का अपॉइंट कौन करेगा बेसिकली शेयर होल्डर। ऑडिटर जो एग्जामिन करने की प्रोसेस करेगा, एग्जामिनेशन की उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ऑडिट। और जब ऑडिट कैरी होती है तो आप उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्यों करेगा, ओपिनियन देने के लिए। ओपिनियन कहां देगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, किस बारे में देगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ सब तैयार किए गए हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफआरएफ, एएस फॉर प्रिपरेशन, स्केड्यूल 3 फॉर प्रेजेंटेशन। साथ में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इस बारे में आप बताइए। ट्रू मीन्स करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, फेयर मीन्स इन कंप्लायंस ऑफ लीगल रेगुलेशंस। अगर आपको याद आ रहा हो शायद सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है ना। साथ में डेफिनेशन को वर्कआउट किया है। बेसिकली प्रोसीजर की बात करिए, प्रोसीजर दो तरह के हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपिनियन देने का। मैनेजमेंट का प्राइमरी जॉब है फ्रॉड को फाइंड आउट करने का, लेकिन आपके सामने अगर कहीं फ्रॉड आया तो चुप नहीं बैठना सर, प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करके फ्रॉड का पता लगाइए। इतना क्लियर है, आप जरा इसके नीचे एक पॉइंट लिखें,
ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। यार कभी चार नंबर में क्वेश्चन आ चुका है यहां से कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। कमेंट कमेंट, तो फिर आपको यहां पे क्या कमेंट करना है भाई? वही बात कि ऑडिटर का प्राइमरी जॉब इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है, वो अपना एग्जामिनेशन करेगा, रिपोर्ट देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रॉड आया चुप नहीं बैठेगा। इज इट क्लियर? तो ये सर कुछ बेसिक डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, ठीक है ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म की ऑडिट को लेकर। आगे और भी बड़ी सारी बातें हमने करनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है यार। आपने इस ग्रुप को क्लियर करना है, आप सीधे आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे, तो आर्टिकलशिप में मैक्सिमम आपने यही चीजें करनी है, मैक्सिमम आपको यही चीजें करने को मिलेंगी। आइए करोगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे, तो सब कुछ यहां जो पढ़ रहे हो सब कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई होगा, ध्यान रखना। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जो ऑडिट्स की हैं, बहुत ऑडिट्स की हैं सर, स्टैट्यूटरी भी की है, इंटरनल भी की है, इंटर्नशिप में भी की है, सीए बनने के बाद भी की है, कभी किसी फ्रेंड के फॉर्म के साथ भी की है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और जब मैं शेयर करूंगा सर, तो आप देखना प्रैक्टिकली चीजें किस तरीके से लिंकअप होंगी, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इस लायक तो मैं आपको बना दूंगा कि जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन किताबों की। लोग नॉर्मली कहते हैं किताबें काम नहीं आती प्रैक्टिकल जगह पे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाना है इन लेक्चर्स के अंदर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, आप देखना। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं सर, और अभी काफी लंबी जर्नी है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट।